हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है साइक्लोन पे, साइक्लोन का लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो मांग रहे थे, तो मेरे को लगा कि चलो बात करते हैं उसके ऊपर भी। तो मैंने उनका वीडियो देखा और उसी के ऊपर आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आजकल आप कमेंट भी कम करने लगे हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी मैंने देखा फ़िलहाल में उनका वीडियो, उन्होंने लव स्टोरी पार्ट 1 में बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने स्कूल बदले हैं, स्टार्टिंग से, मतलब नर्सरी केजी से लेकर और 12th तक उन्होंने कम से कम 6 स्कूल बदले हैं। और उन स्कूलों को बदलने का रीज़न कहीं ना कहीं शुरुआत में तो नॉर्मली इनका कोई रीज़न इन्होंने दिया नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक रीज़न दिया जिसमें मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब एक फ़नी सा रीज़न था, कि इन्होंने रीज़न फ़नी सा था लेकिन उसमें इनकी रियलिटी बताई इन्होंने, जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। मैडम का कहना था कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। दो चोटी बना के बोला जाता था, चोटी बांध के आनी है। और इतना ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बांध सकती थी अपनी चोटी को, मुझे बड़ी दिक्कत सी होती थी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, इन्होंने बहुत बड़ा एक जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा इन्होंने एलिगेशन टाइप लगाया स्कूल के ऊपर कि स्कूल वाले इनको खो खो खिलाते थे। बताओ आप, खो खो खिलाते थे वो इनको, तो इस वजह से इनको वो स्कूल भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनको खो खो नहीं खेलना था, वहाँ पे गेम्स नहीं खेलने थे। आप लोग बताओ, गेम्स का कोई पीरियड अलग से होता है? वो मेरे स्कूल में गेम्स का भी पीरियड होता था और वहाँ खो खो खिलाया जाता था। मुझे खो खो में इंटरेस्ट नहीं था। अरे भाई, क्यों खेलूँ मैं खो खो जब मुझे इंटरेस्ट नहीं है? तो इसी चक्कर में मैंने स्कूल ही बदल लिया। अब बताओ मेरे से कैसे खिलवाओगे खो खो? तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि मैडम, हर स्कूल में पीटी का पीरियड होता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं और बच्चों को उन एक्टिविटीज़ के आधार पर भी एक नॉलेज दी जाती है कि आप बच्चों के साथ, मतलब एक गेम्स का पीरियड्स होता है, हर स्कूल में होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अनोखे स्कूल में था और बाकी लोगों के स्कूल में नहीं होता, या हमने कभी गेम्स नहीं खेले हैं। गेम्स खेलने के लिए एक स्कूल में ही सारी शिक्षा दी जाती है, अच्छे से बुरे की और हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये पीरियड होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, जिससे तुम्हें नफरत थी, क्योंकि तुम्हें तो बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट था ना, तुम्हें तो इतनी अलग चीज़ों में इंटरेस्ट था, और वही रिजल्ट है आज जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं या तुम कर रही हो। ये सारी शुरुआत से ही जो तुम्हारी नींव ऐसी हिली पड़ी है ना, इसी वजह से तुम्हारी आज तक पूरी, मतलब जो बिल्डिंग खड़ी है वो पूरी हिलती डुलती रहती है, क्योंकि तुम्हारी नींव भी कमज़ोर है ना। और तुम अपने आप को बोलती हो मैंने बीटेक की डिग्री ली हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का जो तुम्हें जूते खा के और गाली गलौज सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के तुम्हें कंटेंट देना पड़ रहा है, और तुम उस कंटेंट पे इतनी गालियाँ खा रही हो और इतना गंद मचा मचा के पैसा कमा रही हो। अगर तुमने बीटेक ही किया हुआ है, इंजीनियरिंग ही की हुई है, तो कुछ अच्छा काम कर लिया होता, या यूट्यूब पे ही तुम्हें अच्छे कंटेंट के साथ चीज़ें करनी चाहिए थी। माना कि तुम्हारे साथ चीज़ें हुई वो गलत थी, या जो भी चीज़ें हुई वो गलत थी, लेकिन वो गलत तो तुमने 10 बार सुना दिया। अब हमने हमें तो याद भी हो चुका कि तुम्हारी लाइफ में कितना कांड हुआ है, क्या क्या हुआ है, हम सब याद कर चुके। लेकिन अब फिलहाल में जो चीज़ें ला रही हो वो तो अच्छी ला सकती हो ना। ज़रूरी तो है नहीं कि आप शुरू से अगर किसी गंदगी में घुसे हुए हो तो लाइफ टाइम आप उसी गंदगी में ही घुसे रहो, ऐसा तो नहीं है ना। आप अच्छा कंटेंट भी दिखा सकते हो। अब तो बल्कि आपकी फेस वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी है ना। अब लोग तो जान चुके हैं कि भैया आपके साथ ससुराल में बहुत गलत हुआ, आपके 45 दिन के बच्चे के साथ आपको घर से निकाल दिया गया। तो अब उसके बाद, अब आगे की कहानी पे आओ ना, कि 45 दिन के बच्चे के बाद निकाल दिया, अभी 45 दिन का बच्चा 4 साल का हो चुका, लेकिन आज भी आपकी सुई वहीं पे है कि भैया मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। या ये स्टोरी के इंट्रो में भी ये बातें आनी कि ससुराल वाले ने ऐसा लांछन लगाया मेरे ऊपर कि मैंने अपने पति को मारा है, अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर।
तो मैंने उनको जानबूझ के ख़त्म किया है, दुनिया से भगाया है, इस तरीके के एलिगेशन आपने बताए। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके भाई ने भी आपके ऊपर लड़कों वाला सीन बताया है, या आपके भाई ने भी इतना गंदे गंदे आरोप लगाए हैं? अभी ससुराल वाले तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं एक कोने में, क्योंकि वो तो समझ चुके कि हम जितना मर्जी बोल लें हमारी बदनामी होनी है और कुछ नहीं होना, तो वो साइड हो गए। लेकिन फिलहाल में तो तुम्हारा भाई है ना जो मैदान में उतरा हुआ है, और तुम्हारा भाई तांडव मचा रहा है, तुम्हारे बारे में सारी बातें ला रहा है। तो तुम अपनी कहानी को सुनाने से पहले मोटे मोटे अक्षरों में अपने भाई का नाम हाईलाइट क्यों नहीं कर रही हो? करो, उनको भी करो फिर हाईलाइट। इनका खुद का कहना ऐसा है कि इन्होंने 6 स्कूल बदले, और 6 स्कूल जो बदले उसमें इन्होंने बहुत सारी कहानी भी सुनाई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक लड़का था जो इनको पसंद करता था, है ना, पहली नज़र में इनको एक इंट्रैक्शन हो गया उस लड़के के साथ में, इन्होंने ऊपर से झांका, उसने नीचे से झांका, और एक पहली नज़र वाला चीज़ हो गई। उसके बाद देन उसके बाद वो लड़के की कहानी बाद में बाहर आई, मेरे पति से पहले का अतीत मैं बता रही हूँ, मतलब हद ही हो गई। अतीत मुझे नहीं लगता कि अब लाने की ज़रूरत थी, लेकिन हाँ इनको लाना था, इनको ज़रूरत थी, इनको कंटेंट नहीं है इनके पास, तो इनको बैठ के कहानी सुनाने का मन होता है, तो ये कुछ भी सुनाती हैं अपने नाम पे कुछ भी। प्लस दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो जुबीन जी के चैनल पे, जो मतलब जुबीन जी का ये इन्होंने खोला है अपना नया दुकान, उस दुकान के ऊपर ये बताया जा रहा है कि जुबीन जी मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ढीली चल रही है, मेरा बच्चा ना 4-5 दिन से बहुत बीमार है, तो मैं इसकी केयर में बिज़ी हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगी कि तुम केयर में बिज़ी हो या तुम स्क्रिप्ट में बिज़ी हो? तुम तो स्क्रिप्ट बनाने में लगी पड़ी हो, बच्चे की केयर तो दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रही है कि तुमने ऐसी कोई दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ किया है बच्चे के लिए। तो हम बोले भी कि हाँ भाई भाई मैडम बहुत कुछ कर रही है और बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है, लेकिन बच्चे के लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं रही हो, तुम तो दूसरे चैनल पर बैठ के स्क्रिप्ट बना रही हो और उधर जुबीन को बेवकूफ़ बना रही हो कि भैया जुबीन मैं इस चक्कर में बिज़ी हूँ तो कंटेंट नहीं ला पा रही। जैसे जुबीन जी तो पढ़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम का कंटेंट आएगा तो उनकी ज़िंदगी चलेगी, वो रोटी खाएंगे नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे, कुछ इस टाइप की बातें इन्होंने उस चैनल पे बोली हैं। तो मैं इनसे कहूँगी कि आज भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो, आज भी तुम गलत ट्रैक पे ही जा रही हो, और शायद तुम्हारे इसी गलत ट्रैक की वजह से तुम्हें लोग गंदा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, और तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो के राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारे लिए कोई इंसान अच्छा भी सोचता है ना तब भी तुम गलत ट्रैक पर पहुंच जाती हो। भैया अच्छा कैसे सोच रहा है, तू तो गलत ही सोच, अच्छा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, तुम्हारा वो हाल है और यही हाल तुम्हारा लाइफ टाइम रहने वाला है, क्योंकि तुम्हारी नींव ही गड़बड़ हुई पड़ी है। अगर तुम्हारी नींव स्ट्रांग होती तो शायद ये सब नहीं होता, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।